सिर्फ क्योंकि अच्छा लग रहा था इसलिए कर रहे थे, फिर धीरे धीरे और कुछ ग्रुप्स के साथ मिले, फिर स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया। और जो बॉम्बे आया हूँ ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट इट जस्ट हैपेंड, सो गॉड हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर मी एंड थिंग्स हैपन इन अ प्रोसेस। ऑफकोर्स जब बॉम्बे आए तो आते एज एन एक्टर तो काम नहीं था, तो मैं, मेरी पहली जॉब बॉम्बे में जो थी वो जाने भी दुयारों में मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। उससे पहले मैंने फिल्म शूट सिर्फ एक ही बार देखा था, वो गांधी फिल्म का, उसमें मैंने वार्डरोब असिस्टेंट का काम किया था। वो किसी ने एक हफ्ते के लिए मुझे बुलाया था और फिर उसके बाद उन्होंने जाने को नहीं बोला, आई वॉज इन्जॉइंग इट। उससे पहले कैमरा हमने सिर्फ दूरदर्शन का देखा था, और क्योंकि दूरदर्शन में प्लेस करते थे या स्किट्स करते थे, वहीं से जो 75 रुपये या 100 रुपये मिलते थे वही थिएटर के दिनों में एक था, या प्रगति मैदान में एक बार शो किया था तो 250 रुपये मिले थे। सो आई वेरी प्राउडली आई टोल्ड माई फादर कि 250 रुपये मिले। सो वो प्रोसेस था, भगवान जिधर लेता गया फ्लोट करते रहे। द ओनली थिंग वॉज कि अगर चाहे गांधी फिल्म में काम किया, चाहे जाने भी दो यारों में किया, या उसके बाद मैं प्रोडक्शन मैनेजर था सईद मिर्ज़ा साहब की फिल्म मोहन जोशी हाजिर में, फिर खामोश विनोद चोपड़ा के साथ मैं प्रोडक्शन मैनेजर था, पर जो भी काम किया पूरे मज़ा लेके किया, आई इन्जॉयड एवरीथिंग, यू नो, ये जो ज़िंदगी में असिस्टेंट। फिर नुक्कड़ हो गया, और नुक्कड़ भी मुझे अभी तक जितना भी काम मिला है इट हैज़ कम इन टू माई लैप। नुक्कड़ मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक्चुअली शूटिंग से जो एक्टर कर रहे थे वो छोड़ गए और वो मुझे मिला। और फिर सलीम लंगड़े पे मतरो नुक्कड़ के बाद मैंने और 2-3 सीरियल्स किए, और फिर सलीम लंगड़े पे मतरो सईद साहब ने मुझे दिया, जो कि मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था वो रोल मुझे मिलेगा। सो डेस्टिनी जस्ट आई ट्रैवल विद दैट, और बिकॉज ऑफ सलीम लंगड़ा आई गॉट बाग बहादुर। बाग बहादुर लंदन फिल्म फेस्टिवल में थी, तो ब्रदर्स इन ट्रबल मिली, एंड लकीली सलीम लंगड़े पे मतरो और बाग बहादुर दो एकदम अलायदा फिल्में थी, एकदम अलायदा किरदार थे। सो आई थिंक दैट होल जर्नी विच आई वेंट थ्रू विदाउट रियलाइजिंग व्हाट आई एम डूइंग, और वो अपने एक भोलेपन में ही हम कुछ कुछ सीखते चले गए, बहुत सारी चीज़ें नई थी, कुछ थिएटर देखना शुरू किया था, कुछ बहुत कुछ समझ भी नहीं आता था, लेकिन एक था कि जैसे मैं टैक्सी ड्राइवर देखने गया था अकेला, मुझे याद है, और मुझे पूरी फिल्म में एक ही डायलॉग समझ में आया था, यू आर टॉकिंग टू मी, बाकी मैंने फोटो समझा था। बट मैं ये सब देखता रहता था, शौक था थिएटर देखना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक जगह बनाता है। फिर जब थोड़ा समझ में आने लगता है, आप अपना आपका फ्रेम खुलता है, आप कुछ सीन कैरेक्टर समझने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ें अपनी जगह बनाने लगती हैं। तो एक प्रोसेस था पूरा का पूरा, नथिंग वॉज प्लान्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पवन भाई, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी नज़र आया कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पवन भाई, जो आप थिएटर के एक्सपीरियंस के साथ आए, लॉट ऑफ थिएटर आपने किया, कॉलेज के लेवल से लेकर प्रोफेशनल थिएटर तक किया, थिएटर से जब आप टेलीविज़न के ज़माने में, जो टेलीविज़न वो उस वक्त इवॉल्व हो रहा था जी, तो उस टेलीविज़न के अंदर जो एक्टिंग थी और जो थिएटर की एक्टिंग थी उसके अंदर क्या फ़र्क था, आपको कैसे अडेप्ट करना पड़ा? सिनेमा तो हम लेंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक जो थिन लाइन है वो समझनी होती है, और मुश्किल तो देखिए सब कुछ मुश्किल है, यहाँ बैठ के बात करना भी मुश्किल है। अगर थिएटर अपने आप में मुश्किल है कि आपने एक किरदार करना है, उसको याद करना है, पर अक्सर ये कहा जाता है कि थिएटर बहुत मुश्किल है और फिल्में आसान है, ऐसा नहीं है। थिएटर में हम 2 महीने की रिहर्सल्स करते हैं और फिर सीन 1 सीन 2 सीक्वेंस वाइज चलता है, आपके पास एक ग्राफ होता है, आप किसी एक सामने एक्टर से बात कर रहे होते हैं या ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, आप कभी थोड़ा फंबल कर जाएं तो ऑडियंस माफ कर देते हैं, अनलेस मेजर मिस्टेक्स करें। सिनेमा इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप थोड़ा सा भी कुछ हिलाते हैं या कुछ, तो लेंस आपको पकड़ता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू डूइंग। एंड हल्की सी कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थिएटर में रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, डिपेंड करता है आप कैसा प्ले कर रहे हैं, किस जॉनर का कर रहे हैं, वो सिनेमा में भी है, पर सीन जो है वो टूट टूट कर है। एक सीन हो सकता है, जैसे आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और मैं अगर मनोज जी से बाहर मिलता नीचे और फिर हम आके बाहर ऊपर जहाँ सब गेस्ट आके बैठते हैं वहाँ हम बैठते 10 मिनट
और फिर हम यहाँ आते। तो हो सकता है ये तीन चीजें तीन अलग अलग दिन और डिफरेंट लोकेशंस पर हो और सीन एक ही है, वो सीक्वेंस एक ही है पूरा का पूरा। एंड प्लस इवन व्हेन यू आर डूइंग अ सीन, से इफ यू आर डूइंग अ रोमांटिक सीन, लव मेकिंग सीन, तो ऐसा थोड़ी कि कोई आसपास है ही नहीं, यहाँ पर एक थर्मोकोल लेके रखा हुआ है। और हो सकता है यू आर एब्सोल्युटली रेडी एंड द डायरेक्टर सेज रोल एंड देन सडनली द डीओपी सेज कि अरे एक मिनट कट करो, वो मेरी लाइट का ऐसा हो गया। सो एक्टर वहां ये थोड़ी कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार था, अरे फिर तैयार होना पड़ेगा आपको। जैसे थिएटर में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं अरे वो हिल गया या बहुत देर तक हंसा या फोन बज, ऑफकोर्स जैसे सिनेमा में भी एक आई लाइन होती है कि आई लाइन आपको क्लियर रखनी है, पर जब मैं सड़क पे शूटिंग कर रहा हूँ तो अब तो आई लाइन क्लियर नहीं रह सकती है। तो मेंटली वी ऑल्सो प्रिपेयर आर सेल्व्स। बहुत सारे एक्टर्स ये भी बोलते हैं कि मैं इतना खो गया था कि 3 महीने 6 महीने उसी रोल में था, दिन रात वही जी रहा था, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा था, मुझे तो लगता था मैं वही बन गया हूँ। कभी थिएटर से स्टेज से कोई गिरा नहीं है, वो उसको रोमांटिसाइज करने के लिए और बहुत ही इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं ना, पर हर बार आप उसी मार्क पे आए जहाँ पर स्पॉट था। और सिनेमा में भी जब कैमरामैन ने बोला कि आप यहाँ से इधर आएंगे या डायरेक्टर ने बताया, तो आप वैसे ही मूव करते हैं। और एक आपके लंबे एक लंबा डायलॉग है तो उसमें हो सकता है कि आप जब बोल रहे हो तो आपको लगे कि अरे मैंने ऐसा नहीं सोचा था ऐसा बोल रहा हूँ, पर नेक्स्ट लाइन आप वैसे ही बोल रहे होते हैं। या एक रोमांटिक सीन है वे यू किसिंग अ गर्ल और हाफ ट्रॉली लगी है और कैमरा इधर से जब इधर आता है तो अपने आप कैमरे के लिए क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका चेहरा इधर आता है। सो दे आर सो मेनी ट्रैक्स वर्किंग, यू नो ऑफकोर्स दे इज टेक्निक इन्वॉल्व, बट द होल आइडिया इज दैट ये सब दिखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम हर बार उसमें कामयाब होते हैं। दिस व्हेन वी आर डूइंग सिनेमा, व्हेन वी आर टेलिंग अ स्टोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इमोशंस। इवन इफ हम काल्पनिक एक कहानी बताएं, वो कल्पना भी जो है वो ह्यूमन इमोशन से ही आती है। एंड देयर इज नो एंड टू इट, एंड यू कांट से ये इस दायरे में इस फ्रेम में फिक्स हो जाएगा, ये ऐसे ही और ऐसे ही कहा जाएगा। 5 डिफरेंट डायरेक्टर्स कैन टेल सेम स्टोरी इन डिफरेंट 5 डिफरेंट वेज, दे ऑल 5 ऑफ देम कैन बी राइट, 5 डिफरेंट एक्टर्स कैन परफॉर्म अ रोल इन 5 डिफरेंट वेज एंड दे कैन ऑल बी राइट। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर कर लिया अब दोबारा नहीं करूँगा, नो दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड दैट कॉप कैन बी अ डिफरेंट पर्सन इन अ in one police station there can be 5 inspectors and they can have a different approach towards criminals. Kis tarah ki background se aate hain, isliye theater mein ek cheez badi achhi hoti hai ki aap jo bhi kirdar karte hain uski back story kai baar aap sochte hain wo istemal ho ya nahi ho. Jaise ek maine film ki thi Black Friday, to usme jo humne film mein dikhaya wo to theek hai lekin uske bare mein janna bahut zaruri tha. तो जितना मैं कोशिश कर सकता था, मैं माहिम में नहीं जाना चाहता था बिकॉज आई फेल्ट लेट्स नॉट ड्रॉप इट इन द फेस, ऑफ कोर्स दे न्यू दैट वी आर मेकिंग अ फिल्म लाइक दिस बिफोर एनीबडी एल्स नोज दे नो इट। एंड मुझे डायरेक्टर ने बोला कि किताब पढ़िए, तो मैंने पहले कहा कि नहीं मैं आई स्टिक टू द स्क्रिप्ट, ही सेड नो यू विल गेट अ बैक स्टोरी फ्रॉम बुक एंड स्क्रिप्ट इज क्वाइट क्लोज टू द फिल्म स्क्रिप्ट एंड इट डिड हेल्प मी, यू नो यू कम टू नो किस तरह का आदमी होगा, कम टू नो मीन्स आपको एक अंदाज़ा होता है। और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ वो क्योंकि बाद में जब फिल्म हो गई उससे पहले मुझे कोई ऐसा कभी नहीं मिला जिसने अच्छे से टाइम बिताया हो उसके साथ। एक आध किसी को मिला, जैसे एक ने बोला था कि मैं 5-10 मिनट के लिए मिला था यार, ऐसा लगा कि बात करते करते सामने झुकता था सामने वाले की तरफ। ये भी बोला गया बहुत गुस्से वाला था, जो कि पढ़ा तो उसमें पता चला That's how he was. His name was Mushtaq, but he was known as Tiger because उससे जो मैंने एक स्केच बनाया उस दिमाग में, after the film was released, then I met at least 5-6 people. They said ऐसा ही है. So every time I said कि नहीं, God has been kind to me, and मैंने तो अलग अलग जगह से आटा लेके रोटी बनाई, वो सही बन गई. I think at this position he needs to be applauded. So when I keep saying God has been kind to me, which is a fact, I was never ever so good that I could go to somebody and you know talk myself into a project, you know ki mere ya socializing. I abhi tak jitna bhi nukkar se lekar aaj tak jitna bhi kaam kiya hai,
it all came into my lap. Whatever I tried, I never got it. But I'm not saying that doesn't mean that you stop going out and stop meeting people. Of course you should. Unless aap jaake milenge nahi aur aapke paas kuch dikhane ko nahi hoga. Of course, I'm a firm believer in destiny because meri journey mein to destiny ne bahut bada role play kiya ki main shuruaat karta hoon aur pehli film Saleem Langde pe mat ro aur uska final print bhi nahi aaya aur mujhe Bagh Bahadur milti hai. Phir main hamesha sochta tha ki maine Telugu film mein ki kuch. और मेरी पहली तेलुगु फिल्म के लिए मुझे वहाँ का फिल्म फेयर मिला, स्टेट अवार्ड मिला, और मेरे मन में था कि यार ये भाषा तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, यू नो, पंजाबी मैं जानता हूँ और अच्छी कोई पंजाबी फिल्म आनी चाहिए. और जब आई मेरे पास 3-3.5 साल पहले, तो मैंने पंजाब 84 एक फिल्म की जिसमें एकदम नेगेटिव कैरेक्टर था. और फिर मुझे उसी के दौरान वो शूटिंग शुरू हुई और उसी के दौरान मुझे फिल्म मिली ए जन्म तुम्हारे लेके, विच आई थिंक 24th वी आर शोइंग स्क्रीनिंग ऑन 24th, एंड बिल्कुल अलायदा किरदार. सो दैट्स व्हाई आई से गॉड हैज बीन काइंड कि द फैक्ट दैट एक्सेप्ट सईद मिर्जा साहब जिनका मैं प्रोडक्शन मैनेजर रहा, उन्होंने मुझे नुक्कड़ दिया. फिर सलीम नंगड़े मतरो दी जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इट केम टू मी. बाकी सब काम मेरे काम की वजह से मुझे मिला, यू नो. तो वो एक जर्नी, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट What I got. लेकिन जब कोई काम आपको मिल जाए तो उसको अपनी पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा, तब भी कुछ कुछ रह जाएगा, यू नो, एंड यू हैव टू इंजॉय योर वर्क. ये प्रोफेशन ऐसा है, आप अगर सिर्फ हीरो बनने आए हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग चले, लेकिन मैराथन है. या तो फिर मतलब सोच लीजिए कि यही करना है, यू नो, कि ये भी और ये भी. हाँ, यंगस्टर्स जब आते हैं मुझसे, कभी कोई पूछता है, और कोई भी किसी यंगस्टर को अगर यहाँ बताता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ये करोगे, सोशलाइज करो और पार्टीज में जाओ या इस तरह से हीरो बन के घूमो, या ये किसी ने जैसे मुझे बोला था कि फला डायरेक्टर को कभी मिलोगे ना तो आंखों में इंटेंसिटी रखना, तो मैं पागल हो मतलब मैं जाती जिंदगी में एक्टिंग थोड़ी करता हूँ. आई एम नाइदर सलीम लंगड़े पे लंगड़ा, ना बाग बहादुर हूँ, ना टाइगर मेमन हूँ. एक्टर मीन्स यू आर सपोज टू बी यू ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं. और एक्टर अगर आप हैं तो, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप अलग अलग तरह की फिल्मों का हिस्सा बन सकते हैं, अलग कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं, अलग किरदार कर सकते हैं, और उन किरदारों में आप ही को स्क्रिप्ट में ही होता है, घर से कुछ नहीं लेके जाना होता है. हाँ, ये बात है कि अगर आप में एक स्टाइल है, फ्लैम्बॉयंस है, देयर अम्प्टीन एग्जाम्पल्स, देयर ह्यूज स्टार्स एंड वी ऑल लव देम, यू नो. देव साहब देवानंद वॉज अ huge example that he had a certain style, and till he died we all loved him, and he'll always be remembered, you know, also because the production house which he created, Navketan, and the kind of films as a producer he made and an actor. So he had a style. There are umpteen examples, like Kanhaiya Lal ji hote the, their own school of acting, you know, we all loved him. But also there's one school that when you perform you get a script, वो स्क्रिप्ट में सीड होता है, उसी में से आप झाड़ी बनाइए, पेड़ बनाइए, जंगल बनाइए, बरगद बनाइए, वो आप पे है, उसके बाहर कुछ नहीं होता है. उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए यू कैन सिट एंड से ओह सो एंड सो कुन गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, देयर इज नो सच थिंग गोइंग बियॉन्ड द स्क्रिप्ट. सब कुछ स्क्रिप्ट में ही है, आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते हैं, यू नो. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन जो है, सिर्फ वो नहीं है, उसके आसपास आपको खुद अपना दिमाग लगाना होगा. आई थिंक पवन भाई ने जो बात कही बहुत ही सरलता से, बहुत ही आराम से कह दिया कि एक कन्हैयालाल स्कूल है, एक जीवन स्कूल है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने स्टाइल्स हैं, और एक वो स्कूल है जहाँ सिर्फ एक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कहीं भी मेल्ट हो जाते हैं, जहाँ मिल जाए वैसा ही रंग हो जाता है, जो रंग चाहिए, दे आर लाइक वाटर. जब हमारे को कास्टिंग के लिए बुलाया जाता है तो कैसे प्रिपेयर करें, तो वहाँ जाकर क्या परफॉर्म करना होता है. मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं आता हूँ तो मैं बॉम्बे को एक अजनबी की तरह से देखता हूँ. कल जब फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो एक साहब सीढ़ियों के ऊपर, तकरीबन वो 6 फुट 2-3 इंच के थे, और वो अमिताभ बच्चन साहब के डायलॉग्स जो हैं वो बोलते हुए इधर से इधर कुछ कर रहे थे. वो हमेशा रहते हैं तो इस उम्मीद में कि कोई एक दिन सुन लेगा. अच्छा हाँ, शायद कोई एक दिन बोले कि हीरो बनना है, आ जा. तो मुझे कुछ ऐसा लगा, तो लोग जो है अपने आप को कास्टिंग के लिए जब जाते हैं
फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो कैसे प्रिपेयर करें? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर? सी, उसमें भी डिपेंड करता है कास्टिंग डायरेक्टर कौन है उसको कितनी समझ है वो कि... और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑडिशन देने जाए तो उसमें कुछ हर बार कमाल ही कर दे, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, यू नो, उसमें सामने जो बैठा हुआ वो आपसे किस तरह से बात कर रहा है। अपने लिए एक टाइम पीरियड तय करो और अपनी अकल से सोचो, एम आई राइट फॉर दिस प्रोफेशन, कैन आई डू इट, यू नो। और उसमें राइट और रॉन्ग में ये भी कई बार बहुत बारी होगा कि आप अच्छे एक्टर हैं लेकिन कोई नहीं देख पा रहा आपको। अमजद खान और अमरीश पुरी को बॉम्बे में रहते हुए थिएटर करते हुए 10-12 साल लग गए ढंग का रोल लेने में, और उसके बाद उनके बिना कोई फिल्म बनाता भी नहीं था। पर जब आप जाते हैं ऑडिशन के लिए, पहली बात तो जब आपको वो सीन दिया जाता है तो जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, और पहले उनसे ये भी पूछिए कि उनकी ब्रीफिंग क्या है, उसको ध्यान से सुनिए, यू नो, और फिर उसमें जो भी सोच सकते हैं, और हो सकता है कई बार आप बिल्कुल गलत कर रहे हो लेकिन एक अच्छा होगा तो वो देख सकता है कि नहीं, ही और शी हैज़ अ पोटेंशियल इन इट। तो उसमें सामने वाला कौन है, यू नो, एक कहानी है कि किसी एक गुरु ने किसी एक अपने चेले ने बोला कि देखिए मुझे बाहर कुछ नहीं मिलता, तो उसने गुरु ने उनको एक पत्थर दिया और बोला चल इसका 5 लोगों से मोल डलवा के ला। वो बाहर गया तो एक रेडी पे सेब बेच रहा था, उसने बोला 2 किलो सेब दे दूंगा। फिर आगे किसी एक बनिए की दुकान पे गया तो उसने बोला तुझे 2 क्विंटल में गेहूं दे दूंगा। फिर किसी और जगह गया तो उसने बोला, और ऐसे करते करते जो जौहरी के पास गया तो उसने बोला 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। एंड ही कम्स बैक टू हिज गुरु, ही सेज एक 2 किलो सेब बोलता है, एक 2 क्विंटल चीनी बोलता है, एक 2 लाख रुपए बोलता है, एक 2 करोड़ बोलता है। भाई जिसकी जितनी नजर होगी उतना ही तो तुम्हारा मोल डालेगा ना, दिस इज अ बिग थिंग, दैट्स अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। पर कई बार हम अपने आप को मुखालते में भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गाना नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी आते हैं और बोलते मैं गाना जानता हूं, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी गाना गाया, और गाना चाहिए। जब गा सको, जब ना सको, नहीं गाना आता तो भी गाइए, यू नो, वो अंदर जो केमिकल्स चेंज होते हैं नाचने और गाने में बहुत ज़रूरी है। जैसे गणपति में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है जब मिडिल क्लास औरतें सड़क पर नाचती हैं तो पूरे साल की अपनी भड़ास निकाल देती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है जब अपने आप को खुला छोड़ दें। जैसे एक्टर हैं तो हो सकता है कभी आप ऐसी स्क्रिप्ट कर रहे हो, ऐसी कहानी कर रहे हो जिसमें आपको अपनी शर्ट पैंट बिल्कुल उतारनी, शर्ट मतलब मैं सिक्स पैक दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि कोई ऐसा सीन हो सकता है जहाँ आपको नंगा खड़ा होना पड़ेगा। तो एक्टर तो वैसे ही आपको, जब आप सेट पे हैं तो आप नंगे इस तरह से कि आप जब कोई सीन, जैसे एक हमारे दोस्त दैनिक जागरण, वो कहते हैं तुम एक्टर लोग कितने बेशर्म हो यार, खड़े हो कैसे बोलते हो कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है, तुमसे सोना पकड़ा है, तुम ये झूठ जो लाइनें याद करके और कोई और बन के बोलते हो, यू नो। तो वो तो आप जब इस प्रोफेशन में आप बहरूपी हैं, आप कोई और कर रहे हैं जो किसी और ने लिखा है, एक डायरेक्टर ने बोला हम इस तरह से उसको दिखाएंगे और आपके जरिए से उसको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सो यू हैव टू इन्जॉय दैट फीलिंग। और आपको नंगे तो होना पड़ेगा कि इमोशन, वो जो 50 लोग सेट पे खड़े हैं उस वक्त कोई नहीं होता है, उस वक्त सिर्फ आप होते हैं और जिन किरदारों के साथ आप चल रहे हैं वो होते हैं, और जो टेक्निकली आपको जो ज़रूरतें पूरी करनी है कि कैमरे को देखना है ये सब वो होता है। तो कोई अगर कहता है कि ऑडिशन में जाओगे तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा और वैसा करोगे तो ये हो जाएगा, कोई आपको अगर लाल किताब बताता है कि ये रूल बुक है यहाँ की, देर इज नो रूल बुक हेयर। सो इफ समबडी टेल्स यू ये कर तो ये हो जाएगा, ये कर तो ये हो जाएगा, आप 20 लोग उठा के देख लीजिए जो टॉप के आपको लगते हैं, सबकी अलग अलग जर्नी होगी, सबका ऊपर वहाँ पहुँचने के, जहाँ भी वो पहुँचे हुए हैं जो स्टार्स हैं, सब अलग तरीके से पहुँचे, यू नो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप हैं वो आप रहिए। आपको शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान या अमिताभ बच्चन ये बनने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हैं तो फिर आपको कोई क्यों लेगा भाई, यू नो। पायरेसी हो सकता है मार्केट में चलती हो, डुप्लीकेट माल चलता हो, लेकिन फिल्मों में नहीं चलता है। आपको अपनी जगह बनानी होगी, अपनी सोच से, अपनी समझ से किरदारों को पकड़ना होगा। और जब मैं ये सब कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैंने बहुत मास्टर कर लिया है, मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ हर बार। और हर बार जब मेरे पास कोई फिल्म आती है उसको अगर मैं हाँ बोलता हूँ और तय हो जाता है कि कर रहा हूँ, मेरे मन में डर होता है कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये बात सच है।
किसी ने एक बार मुझसे बोला था कि अभी तो आपको डर नहीं लगता होगा. नहीं, अब लगता है ऑफकोर्स, शायद हाथ नहीं कांप रहे हैं लेकिन डर तो लगता है, क्योंकि ये नई फिल्म है, नया किरदार है. मैं हर बार भगवान से मन ही मन में कहता हूँ इज्जत रख लेना. और ये सच बात है कि क्योंकि यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम इन दिस प्रोफेशन, एंड दैट्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्रोफेशन. देर इज नो गारंटी दैट टुडे व्हाट यू हैव डन दैट दिस विल गेट यू 10 films. यू नो दे कैन बी अम्प्टन ऑफ रीजंस, इवन इफ द फिल्म इज हिट. यू नो ऐसा नहीं हुआ कि सलीम लंगड़े पे बद्रो मैंने की और वो हिट थी, उसमें बहुत सारी और भी चीजें आएंगी. लेकिन फिर आपको वो पेड़ की पेशेंस और घास की परसिवरेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ पेड़ जो है ना वो आंधी तूफान झेलता है तभी उसकी जड़ पक्की होती है और टाइम लगता है उसमें. और घास सुबह लोग चलते हैं, दोपहर में बैठ जाती है, फिर शाम को लोग चलते हैं, रात को फिर खड़ी होती है, दोपहर में फिर खड़ी होती है, वो लगी रहती है. उसमें थोड़ा सा आपको अपने में विश्वास भी रखना होगा. और कहीं भी हम बेवकूफाना विश्वास लेके चलें, या आज मैं सोचूं कि मैं जैसे कल किसी का एक स्क्रिप्ट के लिए फ़ोन आया कि उसके बाद वो 22-23 साल की एज दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं पर आई कांट लुक 22-23 years old, आई विल बी फूलिंग माई सेल्फ. ना ऑफकोर्स अनलेस इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट रोल दैट द प्रोड्यूसर इज रेडी टू डू DI and VFX और वॉट एवर. बट अगर मैं सोच लूँ कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे करके यूं ही चलूँगा तो अपने आप कॉलेज स्टूडेंट हो जाऊँगा. देर इज सर्टन थिंग्स टू एवरीथिंग एंड दैट्स वाई इसलिए जल्दी है. जैसे मैंने बहुत लंबे पॉजेज लिए हैं और उसमें दो तीन चीज़ें थी. एक तो ऐसा नहीं कि आई वॉज फ्लडेड विद वर्क ऑलवेज, या बहुत बारी ऐसा हुआ कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं पर जो काम आ रहा है दैट आई डोंट फाइंड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एज एन एक्टर. सो आई फेल्ट आई हैव टू टेक अ पॉज, यू नो. पर एज एन एक्टर आई ऑलवेज फेल्ट देयर इज वेरी लेस टाइम बिकॉज देयर आर सो मैनी स्टोरीज टू बी टोल्ड, देयर आर सो मैनी डिफरेंट फिल्म्स विल बी मेड दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ, यू नो. एंड एक एज आएगी शायद वो आप जैसे आज स्कूल बॉय या कॉलेज करना मुश्किल है. वहीं दे दीजिए पहले. गुड इवनिंग सर. एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद नुक्कड़. आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वॉच्ड यू. आई वाज वेरी यंग मैन. सो आपसे सवाल ये है कि नुक्कड़ में आप यू प्लेड लव इंटरेस्ट ऑफ रमा जी, रमा विज. नॉट रमा विज. ओह सॉरी, आई डोंट रिमेंबर. मधु. हां मधु. आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली द कैरेक्टर्स नेम वाज. या बट आई स्टिल हैव दैट मेमोरी टिल आई ग्रू अप एंड आई केम टू नो अबाउट सिनेमा एंड थिएटर. ऑफ कोर्स आई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर आई केम टू नो दैट यू आर मिस्टर पवन मल्होत्रा. अदरवाइज वी यूज्ड टू कॉल यू हरी. करेक्ट. सो माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने एक बहुत यंग और ऑफ कोर्स यू आर गुड लुकिंग, तो आपने तो आपने मतलब ऑफकोर्स आपको ऐसे रोल्स भी ऑफर हुए होंगे लीड रोल प्ले करने के लिए, द टिपिकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो हीरो होता है, तो आपने उसको कभी भी वो उस तरफ जाने का नहीं सोचा टू प्ले दैट रोमांटिक? नहीं, मुझे उस तरह के रोल्स ऑफर हुए नहीं. और नहीं जाने का सोचा मुझे जब भी एक धारणा बन गई थी कि ये कमर्शियल फिल्म्स नहीं करना चाहता है या मसाला फिल्म्स. देखिए मैं ये बहुत ज़रूरी है कहना, हर फिल्म जैसी भी कोई फिल्म बना रहा है वो अपने आप में आर्ट है, और क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है वो कमर्शियल है. ये जो शब्द है ना कमर्शियल फिल्म, आर्ट फिल्म, आर्ट फिल्म के नाम पे बहुत सारी ख़राब वाहियात फिल्में बनी हैं और कमर्शियल फिल्म के नाम पे करोड़ों फ्लॉप फिल्में बनी हैं, अभी भी बनती हैं, यू नो, लगातार. वो गिनती में नहीं आती हैं, सिर्फ वही दिखता है कि जो हिट है. और जहाँ तक नुक्कड़ का सवाल है, ऑफ कोर्स आई गॉट दैट रोमांटिक कैरेक्टर एंड इट वाज अ ह्यूज हिट. और एक बात और कि आज भी अगर आपको याद है तो दैट इज आल्सो द कंटेंट. देवर ओनली 39 episodes ऑफ नुक्कड़. आज जब लोग पूछते हैं तो मैं पूछता हूँ कितने एपिसोड से, तो कोई 100 बोलता है, किसी ने 500, किसी ने 1000 भी बोले. सो एंड ऑफ द डे कंटेंट अच्छा होगा तो वो लंबा चलेगा, यू नो. दूसरी चीज़, मुझे उस तरह के रोल्स ऑफर नहीं होते थे. मैं हर तरह की फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था, और जब इस तरह का रोल होता था जो मुझे पसंद नहीं है तो, या उनकी लेंथ या जिस तरह से होता था, तो आई डिसाइडेड टू वेट और नॉट डू दैट. तो मैं उन दिनों जैसे मुझे किसी ने बोला था सलीम लंगड़ा के बाद आप इतने अच्छे एक्टर हैं टीवी क्यों करते हैं, क्योंकि उसके बाद भी मैं बहुत अरसा टीवी करता रहा. तो मैंने बोला मेरे घर में टीवी है बिकॉज ऑफ टीवी.
और मैं तो लेंस के लिए परफॉर्म कर रहा था. जब तक मुझे वो काम जो मुझे ऑफर हो रहा था, मुझे एक्साइट कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था. और अगर आप मेरा टीवी का भी बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे तो अलग अलग तरह के सीरियल्स हैं. क्वेश्चन रिलेटेड टू अ कमर्शियल फिल्म. आई रिसेंटली वॉच्ड वन ऑफ योर पंजाबी फिल्म्स. आई वेंट विद अ फ्रेंड. ऑफ कोर्स जब आप कोई कमर्शियल फिल्म देखने जाते हैं, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, तो यू लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी. मतलब आपको पसंद नहीं आ रही तो समटाइम्स यू वॉक आउट. But I sat all through the movie just because of you, one of my favorite actors. I will not name the movie, but I have a question to ask. Jaise aapke samne jab, I'll not say again, actors are actors. Jab aapke at par actors nahi hote, lekin aap apni intensity kaise maintain karte hain? It's very, I find as an actor, like, of course, bahut senior hai aap, par wo mujhe aapse puchna hai ki jaise usme aapke at par koi bhi actor nahi tha. But I watched the movie just because of you. आपको सवारी को अपने सामान की खुद रक्षा करनी, अपनी गठरी संभाल के रखनी. तो पहला रूल है कि आपको अपना सीन, अपना किरदार पता होना चाहिए. आपको अपने डायलॉग्स याद होने चाहिए. अगर शूटिंग के टाइम यूर यू नो आप गोते खा रहे हैं, अपना अगली लाइन ढूंढ रहे हैं, तो जो डिटेलिंग होगी वो आपसे चली जाएगी. सो सिनेमा इट्सेल्फ इज अ टीम वर्क. और एक जो इन्होंने एक मैंने और पंजाबी फिल्म की थी जिसमें कुछ ऐसे किरदार सामने खड़े हैं कि जो वो उसको एक लाइन है वो भी टाइम पर नहीं बोलता है या ठीक से नहीं बोलता है. मेरे मन में आता है यार ऐसे थोड़ी है यू नो. तो ऑफकोर्स जब सीन हो गया, और ऐसा उस फिल्म में दो बारी हुआ कि मैंने डायरेक्टर को बोला सर आपने अपना सीन कंप्लीट कर लिया, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा एक क्लोज लगा लीजिए, मुझे कोई सामने नहीं चाहिए. और वो लंबी मेरा एक था, तो मैंने दोनों बार बिना उनके किया. और जब उनका डायलॉग आता था तो वो मन में उनका डायलॉग बोलता था, क्योंकि आपकी आंख में दिखेगा जब आप सुनना भी है दूसरे का. ये नहीं कि लास्ट वर्ड वेट कर रहे हैं कि वो बोलेंगे, अगर उसने थोड़ा चेंज कर दिया तो फिर बोला कि वो वर्ड तो बोला ही नहीं. दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग. स्क्रिप्ट को एक कुरान नहीं लिखी गई है कि एक शब्द इधर से उधर नहीं होगा. नो, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसको करेंगे. सामने वाला हो सकता है वो लास्ट वर्ड आपको ना दे, पर आपको पता होना चाहिए कि अब ये खत्म हो गया, अब ये मेरा है, आप सुन रहे हैं तभी करें. सुनना बहुत जरूरी है सामने वाला का भी, क्योंकि आपका चेहरा अगर मास्टर में दिख रहा है, आपकी आंख में दिखता है. अगर आपको कोई भी पंडित बोलता है जी, जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ जी, वो आपको तय करना होगा. मैं बहुत बड़े एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक दोस्त है हमारे जिनको मैं जानता हूँ, एक दोस्त के थ्रू दोस्ती हुई, जो सिनेमा के कमर्शियल फिल्मों के घाग होते हैं, जिन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, और कुछ एक्टर्स को वो दे टुक हिम अराउंड, और वो स्टार्स, बहुत बड़े स्टार्स हुए जिनको वो लेके गए. उन्होंने दो बारी मुझे बोला, एक बारी बोला था लगान के टाइम, अरे लगान एक दिन नहीं चलेगी, आमिर खान की इमेज कोई धोती वाली गाँव वाली थोड़ी है. तो आई सेड बट इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म. नो, इट मींस नथिंग इज प्रेडिक्टेड ना, यू नो, दे आर लाइंग और दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग और दे थिंक दे नो. और अगर मैं ये अच्छे से नहीं कर पाया ये किरदार, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए. अभी अगर आप 24 तारीख को वो फिल्म देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर देखिए. ऐसा नहीं है कि हमने कोई टेक्निकली बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है, लेकिन जो हम किरदार और कहानी बता रहे हैं, जितना भी उसमें बताया है वो बिल्कुल सच है. और हर बार मैं जब उस फिल्म के बारे में बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि हम भगत पूरन सिंह जी, जिनका मैंने बायोपिक किया, ही वॉज नोन एज मदर ट्रीज ऑफ पंजाब, उनका हम 10-15% एक स्केच खींच के दिखा रहे हैं. उनका पूरा हम पेंटिंग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो शख्सियत थे, वो भीख मांगते थे, और जिसका कोई नहीं था उसके भगत पूरन सिंह जी थे, जिन्होंने बाद में एक जगह बनाई पिंगलवाड़ा, जो आज भी है. सो एनीवे, उस फिल्म की बात करूँगा तो बहुत कुछ कहने का, पर ये 24 तारीख को है, तो प्लीज़ डू वॉच इट. And I'm very proud that I'm part of a film like that. And जैसे किसी एक सरदार जी ने मुझे बोला, पुत्र तेरा काम देखना, तेरी फिल्में इन हिंदी, आई ट्रांसलेटेड कि मैंने जितना भी तेरा काम देखा है, तेरे पर गुरु की मेहर है. अभी क्या कर रहा है? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, हम उनका सिर्फ स्केच ही खींच सकते हैं, ऐसा नहीं. तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोला, ये रोल भी तू कर रहा है तो गुरु की मेहर है तुझ पर. सो आई एम वेरी लकी दैट.